हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि आने वाले जो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम 2020 का है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, ये पार्ट टू है और पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर होंगे ये सारे, ठीक है। एशिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की जो लेक है, सबसे तो बड़ी ताजे पानी की झील वो कौन सी है, तो वो है बैकाल। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मजुली आइलैंड है वो कहाँ पे है। सो मजुली आइलैंड है असम में। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ठीक है, उनकी रिटायरमेंट एज क्या है। तो उनकी रिटायरमेंट एज है 65, जो कि पहले 62 थी, इसको बढ़ा के 65 कर दिया गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ओनियन जो होती है या फिर प्याज, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो उसका साइंटिफिक नेम है अलियम सेपा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोट रेसिंग जो होती है, ठीक है, नाव की दौड़, उससे रिलेटेड इंडिया में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो किया जाता है वल्लम काली। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैड्रिड किस कंट्री की कैपिटल है। सो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंडियन पार्लियामेंट या भारतीय संसद जो है उसकी जो आर्किटेक्चर कौन था, ठीक है, किसने उसको डिजाइन किया था। तो उसको डिजाइन किया गया था एडविन लुटियन के द्वारा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कैरेट जो होती है गाजर, ठीक है, उसका जो ऑरेंज कलर होता है किसकी वजह से होता है। तो वो होता है बेटा कैरोटीन के द्वारा, ठीक है, बीटा कैरोटीन के वजह से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केनिस वुल्फस जो है किसका साइंटिफिक नाम है। तो फॉक्स लोमड़ी जो होती है उसका साइंटिफिक नेम है केनिस वुल्फस। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेनफॉल की अमाउंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। सो उसके लिए यूज़ किया जाता है रेन गेज को, ठीक है, जिसको कि ऊडोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और प्लूवियोमीटर भी बोलते हैं, ओब्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, ओम्ब्रोमीटर भी बोलते हैं इसको, जो कि वर्षा की मात्रा को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना की कैपिटल कौन सी है। सो अर्जेंटीना की कैपिटल का नाम है ब्यूनोस ऑरियस। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन को पहली बार किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ओके, तो ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया था जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूर जहां किन की वाइफ थी। तो नूर जहाँ थी जहांगीर की वाइफ, ठीक है, और हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं, ठीक है, फेफड़े, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ओके, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस में फर्स्ट मैन कौन था। सो वो था यूरी गार्ग्रिन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिगेस्ट मैंग्रोव जो है, ठीक है, मैंग्रोव जिनको बोलते हैं, वो इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है। सो वो है सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है, जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे है, पाए जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, मानव के विकास का सिद्धांत जो जिसको बोलते हैं, वो किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया, तैयार किसके द्वारा किया गया। सो वो किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है, जिसको डार्विन थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अलकनंदा रिवर है वो किस सिटी से होके फ्लो करती है। सो अलकनंदा रिवर फ्लो करती है बद्रीनाथ से होके, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 KB कितने बाइट के इक्वल होती है, ठीक है, जो KB MB जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में, ठीक है, 1 KB होती है 1024 बाइट्स, ठीक है, और 1 MB होती है 1024 KB, ठीक है, और 1 GB 1024 MB, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनको किस
उन्होंने कब शासन स्टार्ट किया? तो उनको क्राउन किया गया था 1674 में, 1674 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गणेश फेस्टिवल है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो उसको स्टार्ट किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उनको किनके द्वारा इन्वेंट किया गया? सो उनको इन्वेंट किया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा। ओके, और एलपीजी जो होती है वो किस किस चीज़ का मिक्सचर है? तो एलपीजी बेसिकली ब्यूटेन और प्रोपेन जो है उन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो यूज की जाती है ब्यूटेन और प्रोपेन, उन दोनों का मिक्सचर है एलपीजी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की। ठीक है, कोस्ट लाइन मतलब तट रेखा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो केव कौन सी है जो कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों से रिलेटेड है? सो वो है एलोरा केव्स। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आर्टिकल 352 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी के से रिलेटेड। ठीक है, जिसको कि प्रेसिडेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आर्टिकल 356 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो है प्रेसिडेंट रूल से, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो औरंगजेब जो थे वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और कब किस टाइम में उन्होंने शासन किया? सो वो औरंगजेब मुगल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे जिन्होंने कि 1658 से 1707 तक शासन किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के उमारिया प्लेस में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के फादर के नाम से किनको जाना जाता है? तो वो है चार्ल्स बेबेज, उनको कंप्यूटर फादर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो यूरिन जो होता है उसका येलो कलर किसकी वजह से होता है? ठीक है, यूरिन का येलो कलर होता है यूरोक्रेम की वजह से। ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर येलो कलर होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जापान पे जो बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे उनका नाम क्या था? तो उन बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली फर्स्ट वुमन कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। ओके, और मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? मिथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, जिसको कि CH4O भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व जो है बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? तो वो करता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दा जो डांस फॉर्म है किस स्टेट से रिलेटेड है? गिद्दा है पंजाब स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के कमांडर इन चीफ कौन थे या फिर सेनापति जिनको बोलते हैं कौन थे? तो वो थे बहराम खान। ओके, टाइम को एकदम एक्यूरेटली मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है? तो टाइम को एक्यूरेट मेजर किया जा सकता है क्रोनोमीटर के द्वारा। ठीक है, वो जो हमारी नॉर्मल वॉच जो होती है उसमें डिफरेंस होता है 6 to 8 सेकेंड का। ठीक है, एक्यूरेसी की अगर बात करें तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डूरांड कप जो है, या डूरांड कप जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो है फुटबॉल से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसका चौड़ाई और लंबाई का रेशियो क्या है? तो उसका रेशियो है 2:3। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिंबिसारा जो थे वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, किस वंश के थे? तो
बिम्बी सारा थे हरियंका वंश के, ओके। और महाबलीपुरम जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो महाबलीपुरम डेवलप किया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा, जो कि पल्लव डायनेस्टी या पल्लव वंश के किंग थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो HTML जो है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काला घोड़ा आर्ट्स का जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? सो वो किया जाता है काला घोड़ा में, जो कि साउथ मुंबई में है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली फोक डांस जो है, 13 ताली भी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो किस स्टेट्स का फोक डांस है? तो वो है राजस्थान का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वो है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है दुधवा टाइगर रिजर्व्स, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाजीराव जो थे वो किस डायनेस्टी या वंश को बिलोंग करते थे? सो वो थे पेशवा वंश के, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की या प्रकाश की तीव्रता जो बोलते हैं, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फोटोमीटर को, ओके। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है कॉपेनहेगन, ओके। और सेल्स जो होती है या फिर कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी, ओके। साइटोलॉजी मतलब जो कोशिकाओं की स्टडी की जाती है इसमें, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीश महल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो शीश महल है लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। और लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है या फिर जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, किसकी वजह से होती है? सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी या फिर विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी होती है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मजुली आइलैंड जो है वो कहाँ पे है? तो मजुली आइलैंड है असम में, ओके। और जोंखा, जो डिजोंखा जिसको बोलते हैं, ये किस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है? सो ये है भूटान की, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है? तो वो है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में सिचुएटेड है अमराबाद टाइगर रिजर्व्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन, उसमें मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि अमर्त्या सेन को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था? तो इकोनॉमी रिसर्च या फिर इकोनॉमिक साइंस के लिए अमर्त्या सेन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इकोनॉमी फील्ड में 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबरीमाला पिलग्रिमेज जो है, ठीक है, या सबरीमाला तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पे है? सो वो है पेरियर टाइगर रिजर्व्स में, जो कि केरला में है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो घटोत्कच थे वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे या किस वंश को बिलोंग करते थे? वो करते थे गुप्त को, ठीक है, गुप्त काल, गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कार्डियोलॉजी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बेसिकली जो हार्ट डिजीजेज जो होते हैं उनको क्योर करने की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि जो इस किसी भी मैटर की स्टेट जो होती है, ठीक है, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, उसके अलावा जो फोर्थ स्टेट है वो कौन सी है? तो वो है प्लाज्मा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि जो गोवा में जो चर्चेस जो हैं
वो किन के द्वारा बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे पुर्तगीज के द्वारा, ठीक है, पुर्तगाली लोगों के द्वारा इन चर्चों को बनाया गया था गोवा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल रूलर के द्वारा ब्रिटिश को अलाउ किया गया था कि वो वहाँ पे फैक्ट्री लगाए 1617 में, ठीक है, तो वो किया गया था जहांगीर के द्वारा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है, टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन हैं। ओके, और उनकी फिर कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनमें ही जैसे राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, ऐसे ही 6 सेक्शंस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो लोअर हाउस के नाम से भी लोकसभा को जानते हैं, ठीक है, अपर हाउस के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ब्रिक्स जो है उसमें एस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ब्रिक्स में बी से होता है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ओके, और जो एलईडी जो है, ठीक है, उनको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? तो उनको इन्वेंट किया गया था निक होलियंक एंड ओलेग लोशेव के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 31 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, इसको हटा के अभी नॉर्मल लीगल राइट कर दिया गया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट, ये पूर्व की बेटी, ठीक है, ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये है बेनजीर भुट्टो की। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क महाराष्ट्र में कौन सा है? सो वह है टडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, या फिर टडोबा अंधेरी टाइगर प्रोजेक्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आयरन पिलर्स जो हैं, जिनको लोह स्तंभ जो बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो वो है दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने ऑस्कर जीता? सो वो थे भानु अथ्या, ठीक है, जो कि गांधी मूवी जो हॉलीवुड की थी जिसमें बेन कैंग्स किंग्सली ने गांधी का रोल प्ले किया था, उस मूवी के लिए इनको कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर दिया गया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया में? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हैमिस नेशनल पार्क, ओके, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साबरमती आश्रम जो है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे? साबरमती आश्रम से इस्टेब्लिश किए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, और जो किडनी स्टोन जो होता है वो किस चीज़ से कंपोज होता है? ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सेलेट जो होते हैं उनकी वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था अकबर के पीरियड में, तो उस टाइम उनका नाम क्या था? ठीक है, उस पर्शियन ट्रांसलेशन बुक का, उसका नाम था रज्मनामा। ओके, जिसको महाभारत को जिसमें पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, उस बुक का नाम था रज्मनामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिमिली फॉल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है उड़ीसा में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया 2020, ठीक है, ये बुक किनके द्वारा लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इथोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी के बारे में बात की जाती है उसमें? तो उसमें फिश मछली वगैरह की स्टडी के बारे में बात की जाती है, इथोलॉजी। ओके, और NaHCO3 किसका केमिकल नाम है? तो NaHCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि बेकिंग सोडा भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन टीथ जो होते हैं टोटल कितने टाइप के होते हैं? तो वो होते हैं टोटल 4 टाइप के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रूलर के द्वारा उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद कर दी थी? तो वो की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दादरा एंड नागर हवेली जो है उसकी कैपिटल क्या है? सो उसकी कैपिटल है सिलवाशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पन्ना नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और अगर आप लोगों को इन नेशनल पार्क को याद करने के लिए ट्रिक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं वीडियो सर्च करके, तो एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नेशनल पार्क सभी स्टेट के जो नेशनल पार्क हैं उनको याद करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भीम भेट का रॉक शेल्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है मध्य प्रदेश में, और पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग वार के बाद अशोका ने खुद के रिलीजन को किस रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया था? तो उन्होंने कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में। ठीक है, बुद्ध धर्म में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा, जिसको स्टार्ट किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कबड्डी जो स्पोर्ट होता है, ठीक है, उसमें टोटल कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में? तो उसमें टोटल होता है 7 प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी कहाँ पे सिचुएटेड है? सो हम्पी है कर्नाटक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी डांस जो है वो किस स्टेट को बिलोंग करता है? सो कुचिपुड़ी डांस बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पंचायती राज सिस्टम जो है, ठीक है, वो सबसे पहले किस स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था राजस्थान के द्वारा, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गांधी इरविन पैक्ट जो है या गांधी इरविन समझौता जो है वो कब साइन किया गया? तो वो साइन किया गया था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एलसीडी जो प्रोजेक्टर जो होता है, ठीक है, उसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? उसको इन्वेंट किया गया था जीन डॉलगॉफ के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तहरी डैम जो है या टिहरी बांध वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है भागीरथी रिवर पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एलिफेंट जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? सो उसका साइंटिफिक नाम है लॉक्सोडोंटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमर जो एक ट्रेडिशनल डांस है वो किस स्टेट को बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है राजस्थान को। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। सो आज के लिए बस इतने ही, ये 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि एसएससी सीएचएसएल के आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए इसी टॉपिक पे, सो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।